विशाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी विशाल जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। आपको आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने बहुत बार, मतलब मैं महीने दो महीने से मैं खांसी की दवा ले रहा हूँ, डॉक्टरों की इलाज ले लिया मैंने बहुत, लेकिन मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाई टाइप के मैंने कैप्सूल ले लिए, लिक्विड भी ले लिया, लेकिन खांसी में मेरे फर्क नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। थोड़ा आप इसके लिए मेरे को मार्गदर्शन करें, ताकि मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है, थोड़ा आप मुझे कोई ऐसी दवा बताए जिससे मेरा कल्याण हो जाए आपके मार्गदर्शन से। ठीक है, जरूर जरूर जी। जसवाल जी, आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी तो लिख लीजिए। देखिए, एक हमारे गाँव की जबान में कहते हैं लिसोड़ा। लिसोड़ा लीजिए 100 ग्राम। लिसोड़ा, इसे हम लोग सपिस्तान कहते हैं। लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। अलसी भी आप ज़रूर जानते होंगे, जब आपकी इतनी उम्र हो गई तो अलसी भी जानते होंगे। लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और उन्नाब 100 ग्राम। उन्नाब 100 ग्राम, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले। पीपले आपके किचन में गरम मसालों में, जो एक सूखी हुई लंबी सी चीज़ होती है, गोल बिल्कुल शहतूत जैसी, वो पीपले या पीपला मूल कहते हैं, इन सब को पाउडर बना लें, एक चम्मच सुबह खाएं, नाश्ते से पहले ले लें गर्म पानी या चाय के साथ, और एक चम्मच रात को ले लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।